नमस्कार दोस्तों, बबलू पूनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो लाया हूँ मैं वीडियो मेरे पीछे जो है ट्रैक्टर, आप देख लो कितनी गजब कंडीशन में है इसकी, और थोड़ा सा भाई से जानकारी लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं इसके ओनर से, भाई का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूँ। हेलो, कैसे हो? बढ़िया भैया। भाई थोड़ा सा अपना इसमें इंट्रोडक्शन दे दो। नाम अभिषेक पवार जी, गांव कबरसा मेरठ। तो भाई ट्रैक्टर तो आपने बिल्कुल ओरिजिनल 475 DI बनवा दिया, अब थोड़ी सी जो है भाई सोच रहे होंगे कि ये न्यू है, लेकिन भाई ट्रैक्टर जो है न्यू मॉडल नहीं है, ये 1986 मॉडल है। मेरी बात पे यकीन ना हो तो मैं आपका भाई सब बता देता हूँ। भाई अपना थोड़ा सा इसके बारे में पूरी सच्चाई बता दो किसान भाई। पहले ये शब्दा था 275 मॉडल 1986। हाँ जी ठीक है जी। फिर हमने इसे DI करवाया। अच्छा, DI करवा के हमने एक साल तो DI करवा के देखा कैसा चल रहा है, क्या एवरेज दे रहा है क्या नहीं। अच्छा, पहले DI कराया हम, आपने हीटर का सिस्टम खत्म करवा दिया। हाँ जी। तो DI में कितना खर्चा आ गया इसका? DI में ऐसा आया था 70,000 रुपये के लगभग। 70 का? हाँ जी। चलो, तो जैसे DI आपने कराया तो ताकत वगैरह बढ़िया लगाई इसने? हाँ जी, अब 4500 हॉर्स पावर हो गया, 45 से 50। 45 से 50 के बीच की। हाँ, ये 8 फुटा रूटर चला रहा है। हाँ, मैंने उस दिन पीछे से वीडियो बनाई थी, तो उसमें वीडियो पड़ी है। हाँ हाँ हाँ। और फिर इसमें आपने पेंट करवाया? हाँ, एक साल बाद हमने पेंट करवाया कि कैसा काम कर रहा है, जब पेंट करवाया। ठीक है, और अब इसमें आपने क्या क्या काम करा दिया फिलहाल? इसका एक तो हाउसिंग बदला है, हाउसिंग बदला है, हेड पंप बदले है, पंप बदल गया। हाँ जी, DCM का पंप है इसमें जी। और ये जैसे पेंट हुआ तो मुझे लगा चारों टायर नए डलवा दिए आपने इसमें, और ये मरगाड़ बदलवा दिए थे पिछले दोनों मरगाड़ बदलवा दिए, वो बोनट सब दुका तो वही है, वो वही है ओरिजिनल। तो कुल मिलाकर कितना खर्चा आ गया अभिषेक इसमें? इसमें 1.5 लाख रुपए, मतलब DI से लेकर पेंट कराने तक टायर वगैरह सब उसी में ही है। पेंट कहाँ करवाया आपने इसका? पेंट मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर पेंट मिस्त्री के, कल्लू मिस्त्री के। हाँ जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। और तो ये तो अब महिंद्रा 475 MKM बना दिया आपने सेम। हाँ जी। तो जैसा मतलब आप चला रहे हो इसे, एक मन में एक बात आती नहीं कि पुराना है? नहीं, ऐसा ही नए भर का ही स्वाद है। नया लगता है बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार आप इसकी आवाज़ सुनाओ थोड़ी सी, और इसकी आवाज़ देखेंगे कैसे। न्यूट्रल कर लियो दोस्तों, आवाज़ देखो ट्रैक्टर की कितनी प्यारी है, और भाई बहुत ही शौकीन है, बहुत ही नहीं तो इतने पुराने मॉडल ट्रैक्टर को तो लोगों ने कटवा दिया, लेकिन भाई की मोहब्बत ही है ट्रैक्टर से, जो भाई इसे मतलब आवाज़ में देखो दोस्तों कितना पीका फिर, कितनी गोल आवाज़ है ट्रैक्टर की। बस बंद कर दो भाई, और कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो जैसे अभिषेक आप एक बात और बताओ इसे, जैसे आप चला रहे हो और गन्ने वगैरह डाल लो तो इसका क्या एवरेज आ जा? भाई 1.5-2 के बीच में लेता है, 1.5 से 2 लीटर गन्ने डालने में। हाँ। तो गन्ने यहाँ से 5-5.5 किलोमीटर मील पड़े। हाँ, 10 आना जाना लगा लो, आना जाना 10 मान लो, तो 1.5 लीटर में लगभग गन्ने डाल के अपने घर आ जा। हाँ। तो बहुत ही बढ़िया एवरेज है। तो किसान भाइयों, अगर आपके पास में पुराना महिंद्रा है जो पहले मॉडल आते थे 7 दे, या बाद के भी हैं, अगर आपको मतलब बजट नहीं है और आप चाह रहे हैं कि हमारा ट्रैक्टर तो बढ़िया चल रहा है और हमारा काम कर रहा है, मैं ये सलाह नहीं दे रहा कि आप उसे बेच के नया ले लो और कर्जा सिर कर लो। किसानों के पास तो दोस्तों पैसा है ही नहीं, क्योंकि तेल इतना महंगा है, बिजली का बिल है, बच्चों की फीस है बहुत ज़्यादा महंगी है, एक सरकारी स्कूलों में अब कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाह रहा, सब प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, और प्राइवेट वाले जो हैं छुरा लेकर बैठे हैं, नुका आ जाओ अब तुम्हारी कटाई करते हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो दोस्तों हम भी देखते हैं सिलेबस जो है 5-5, 6-6 हज़ार की 6-6 किताब आ रही हैं, और रोज़ के खर्चे हैं बच्चों के, तो वो तो खैर मैं बात बताऊँगा बहुत ही लंबी हो जाएगी, उसमें कोई हम झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे। कुल मिलाकर यो है, जब अगर हम यहाँ मौके पर ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, तो अगर आप काम ही करना चाह रहे हैं तो आप अपने पुराने ट्रैक्टर को भी रीपेंट करा सकते हैं, पर सरते आप अपने अच्छे मिस्त्री के पास जाएं, आपका जो विश्वसनीय हो वहाँ पर करें और अपना काम दबा कर करें। तो अभिषेक भाई जो है बिल्कुल खुश हैं ट्रैक्टर से, सहमत हैं, और यही नहीं कि मतलब भैया भैया के जो है चाचा जी भी दरोगा हैं, भैया भी दरोगा हैं,
और खेती भी अपने पास इनके पास में भाई के बहुत ही अच्छी है। चाहे मैं तो एक फ़ोन पे ही ट्रैक्टर आ जाएगा घर पे, 8-7-10 लाख रुपए ये खर्च कर दें, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिर भी भाई ने दिखावा ना करते हुए अपनी पुरानी चीज़ को ही बहुत ही संभाल कर सजो के रखा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है अभिषेक भाई चलते हैं, नमस्कार भाई, नमस्कार दोस्तों।